तुम्हें सुकंद नार हम सोई। 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 लाग गले सुन बिनती मेरी, सुन बिनती मेरी। लाग गले सुन बिनती मेरी, सुन बिनती कह तू कबीर सुनो रे लोई। कह तू कबीर सुनो रे लोई। अब तुम अब तुमरी प्रतीत न होई। अब तुमरी प्रतीत न होई। अब तुमरी प्रतीत न होई। लाग गले सुन बिनती मेरी, सुन बिनती मेरी। लाग गले सुन बिनती मेरी, सुन बिनती मेरी। करवत भला सुन बिनती मेरी, सुन बिनती मेरी, सुन बिनती मेरी, सुन बिनती मेरी, सुन बिनती मेरी। सुन बिनती हर जुग जुग भगत पाया पैज रखताया। राम राजे हर नाखस दुष्ट हर मारया। प्रहलाद तराया अहंकारी अनिंद का पिठ दे। नाम देओ मुख दाया जन नानक ऐसा हर सेवया।
अंत लय छाया जन नानक ऐसा हर से दारू सुख रोग पया जा सुखताम न होई तू करता करना मैं ना ही जाऊं करी ना होई बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लिखिया रहा जात में जो जोत में जाता कलकला भरपूर रहा तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिनकी तीसो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किछ करना सो कर रहा सो दराग आसा महला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सोदर तेरा के हासो करके जित बह सर्व समाल वज तेरे नाद अनेक असंखा कित तेरे वावन हार कित तेरे राग परेशो कहिए कित तेरे गावन हार गावन तुम पवन पानी बैसंतर गाव राज धर्म द्वार गावन तुम चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचार गावन तुम ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवार गावन तुम इंद्र इंद्रासन बैठे देवतियां दर नाल गावन तुम सिद्ध समाधि अंदर गाँव तुम साध विचार गाँव तुम जति सती संतोखे गाँव तुम वीर करार गाँव तुम पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाल गाँव तुम मोहनिया मन मोहन सुरग मछ पयाल गाँव तुम रतन पाए तेरे अठसठ तीर्थ नाल गाँव तुम जोध महाबल सूरा गाँव तुन खानी चार गाँव तुन खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रख तेरे तारे से तुन गावन ज्योत पावन रत तेरे भगत रसाल होर कित तुन गावन सिमत नयावन नानक क्या विचारे सोई सदा सुख साहेब साचा साची नाई हैपी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन पाई कर कर देखे कीता अपना जो तिस भी वड्याई जो तिस पावे सोई कर सी फिर हुक्म न करना जाई सो पातशाह सापत साहेब नानक रहन रजाई सो पातशाह सापत साहेब नानक रहन रजाई 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 वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह असम महला पहला सुन बड़ा आखे सब कोय के बड़ बड़ा डीठा होए कीमत पाए न कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए वड़े मेरे साहेबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा केता केवड़ चीरा रहाओ सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई कहन न जाई तेरी तिल वड़ियाई सब सत सब तप सब चंगे आईया सिद्धा पुरखा किया वड़ियाईया तुद बिन सिद्धि किन न पाईया कर्म मिलै नाही ठाक रहाईया आखण वाला क्या विचारा सिफती भरे तेरे भंडार जिस तू दे तिसे क्या चारा नानक सच सवारण हार आसा महला पहला
आखां जीवां विसरै मर जाओ आखण अवख साचा नाओ साचे नाम की लागै भूख उत भूखै खाए चलियै दुख सो क्यों विसरै मेरी माए साचा साहिब साचै नाए रहाओ साचे नाम की तिल वड़ियाई आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलकै आखण पाहे वड़ा ना होवै घाट ना जाए ना ओह मरै ना होवै सोग दिंदा रहै ना चूकै भोग गुण नाही कोय ना को होआ ना को होय जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात जिन दिन करके कीती रात खसम विसार है ते कम जात नानक नावै बाज सनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिना करो गुर पास हम कीरे किरम सतगुर शरणाई कर दया नाम परगास मेरे मीत गुरुदेव मोक राम नाम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रहरास हर जन के वड़ भाग वडेरे जिन हर हर शरदा हर प्यास हर हर नाम मिलै तृपतास मिल संगत गुण परगास जिन हर 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 रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चितवै उद्दम जा आहर हर जियो परेया सैल पत्थर में जंतु उपाए ताका रिजक आगे कर तरेया मेरे माधव जी सतसंगत मिले सो तरेया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरे जनन पिता लोक सुत बनता कोय न किस की तरेया सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन भाव करेया ऊडे ऊडे आवै सै को सा तिस पाछै बचरे शरेया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मै सिमरन करेया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल तरेया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा वरे राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सत गुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपार सब त्यावहै सब त्यावहै तुद जी हर सच्चे सिरजनहार
सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दाता हर ते आव हो संतो जी सब दुख विसारण हार हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचार तू कट कट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समान एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडान तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिन अवर न जान तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखान जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुर्बान हर ते आव है हर ते आव है तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पए जिन हर ते आया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ ते आया जी तिन का पाओ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर ते आया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत पंडार जी परे बेअंत बेअंत तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंत तेरी अनक करे हर अनंत तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जन नानक गुरमुख परगट हो आसा महला पहला तित सरवरड़ पहिले निवासा पानी पावक तिन्हे किया पंक जो मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबी आले मन एक ना चेतस मूड मना हर विसरत तेरे गुण गले ना हूं जती सती नहीं पड़या मूरख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की शरणा जिन तू नहीं विसरे आसा महला पंजवा पई परापत मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरा कितै न काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग पव जल तरन कै जन्म बिरथा जात रंग माया करा जप तप संयम धर्म ना कमाया सेवा साधना जानिया हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की राखो शरमा जप तप संयम धर्म ना कमाया सेवा साधना जानिया हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की राखो शरमा एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं चौपाई उन राक्षस का काटा सीसा श्री असकेत जगत के ईसा
भूपन ब्रिष्ट गगनते पई सबहिन आन वधाई दई तन तन लोगन के राजा दुष्टन दाह गरीब निवाजा अखल पवन के सृजन हारे दास जान मोह लेहो उबारे कव्यो बाच बेनती चाओ पै हमरी करो हाथ दरशा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काबहो आप हाथ दे मोहे बचावो सुखी वसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतार मोर अच्छा निज कर द करे सब बैरन को आज संगरे पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यास तुम्हें शाड़ कोई अवर न त्याऊं जो वर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन शत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरे है मरण काल का त्रास निवरे है हू जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जू करे हो रक्षा राख ले हो मोह राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बबतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिशन प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकन को शिव गुण सुख दियो शत्रुन को पल मोबद कियो कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान कट कट के पट पट की जान जब उदकर्ख करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपार जब आकर्ख करत हो कबहू तुम मैं मिलत देह तर सब हो जेते बदन सृष्ट सब तार आप आपनी बोझ उचार तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंब ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा ताको कर पाहन अनमानत महामूड कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पैव आप अपनी बुद है जेती बरनत पिन पिन तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कह विद सजा प्रथम संसार एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कहीं पूपा अंडज जेरज से तज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट पयो शंकर एकैठा
सिगरे सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप सुजंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रणकाता। जे अस तुझ तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक वार त्याय है, ताके काल निकट न है। रक्षा होय ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काल। कृपा दृष्ट तन जाह निहर हो, ताके ताप तनक मैं हर हो। रिद सिद कर्मो सब होई, दुष्ट छाव छवे सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संवारा, काल फास ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दोख तेरा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लेहो उबारी। सर्व ठार मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन शुभ राता। किलविक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखे अन को छै करता। श्री अस तुझ जब पै दयाला, पूरन करा ग्रंथ तत्काल। मन वांछत फल पावे सोई, दुख न तिसे व्यापत कोई अड़ल। सुने गुंग जो जाए सुरस न पावई, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर के रह, हो जो जाकी एक बार। चौपई को कह चौपई, संबत सत्रह सहस पणिजय। अर्ध सहस फुन तीन कही जय। भाद्रव सुदी अष्टमी रववारा, तीर सतुद्रव ग्रंथ सुधारा दौरा। दास जान कर दास पर की जय कृपा अपार। आप हाथ दे राख मोहे, मन क्रम बचन विचार। चौपई मैं न गणेश है प्रथम मनाऊं, किसन विसन कब हूं न त्याऊं। कान सुने पहचान न तिन सो, लिव लागी मोरी पग इन सो। महाकाल रखवार हमारो, महालोह मैं किंकर थारो। अपना जान करो रखवार, बाह गहे की लाज विचार। अपना जान मुझे प्रत परी है, चुन चुन शत्र हमारे मरी है। देग तेग जग में दो चले, राख आप मुहे और न दल। तुम मम करो सदा प्रतिपारा, तुम साहिब मैं दास तिहारा। जान आपना मुझे निवाज, आप करो हमरे सब काज। तुम हो सब राजन के राजा, दुष्टन दाह गरीब निवाजा। दास जान कर कृपा करो मोहे, हार परा मैं आन द्वार तोहे। अपना जान करो प्रतिपारा, तुम साहिब मैं किंकर थारा। दास जान दे हाथ उबारो, हमरे सब बैरियन संगारो। प्रथम तरो भगवत को त्याना, बाहर करो कविता विदनाना। कृष्ण जथा मत चरित्र उचारो, चूक होए कब लेहो सुधारो। कवियो बाच दोहरा,
जो निज प्रभ मोह सो कह हों जग माहे जो ते प्रभ को त्याए हैं अंत सुर्ग को जाए दोहरा हर हर जन दोई एक है बिव विचार कछ नाहे जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखै समाहे दोहरा जब आयस प्रभ को पयो जन्म तरा जग आए अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूँ कहत सुनाए कब बाच दोहरा ठाड़ पयो मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याय पंथ चलाए तब जगत में जब तुम करहो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नित उठते हैं संत अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा काल पुरख की देह मो कोटक विष्ण महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते रव सस क्रोर जलेस दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई पाखत नेत स्वर्गवास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपाई जो एक कथा सुन अरगावै दुख पाप ते निकट न आवै विष्ण भगत की ए फल होई आद ब्याद छवै सकै न कोई सम्मत सत्रह सहस पचावन हाड़ वदी प्रथम सुखदावन त्वा प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा पूल परी लहो लेहो सुधारा दोहरा नेत्र तुंके चरण तर सतुद्रव तीर तरंग श्री भगवत पूरन कियो रघुवर कथा प्रसंग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद स्वाद विवाद ग्रंथ सकल पूरन कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पांगहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आनेओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सवै बह भेद कह हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तोहे बखान्यो दोरा सगल द्वारे का छाड़ कै गहो तुहारो द्वार बाह गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार सगल द्वारे का छाड़ कै गहो तुहारो द्वार बाह गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सत गुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सत गुरु मैं पाया सत गुर ता पाया सहज से ती मन वजिया वादाईया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया शब्दो तक गावो हरि के राम मान जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सत गुरु मैं पाया
ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओ करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरा करता तेरा सब कुछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनका मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नहीं कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विठों जिस दिया एह बड़े आईया कह नानक सुनो संतो शब्द तरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सपागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनकाओ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे अनद सुनो वड पागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पहे सरसे पूरे गुरते जाने सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पईयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब से आधारो जे को खावै जे को पुंचै तिसका होय उदारो ए वास्त तजी न जाई नित नित रख उर तारो तम संसार चरण लग तरियै सब नानक ब्रह्म पसारो सलोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नहीं मैनो जोग कीतोई मैं निर्गुण आरे को गुण नहीं आपे तरस पयोई तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिले नानक नाम मिलै ता जीवा तन मन थीवै हरे तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिले नानक
नानक नाम मिलै ता जीवा तन मन थीवै हरेया। पौड़ी तिथ तू समरथ जिथ कोय नाहे ओथ तेरी रख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत ना तेरा छड़ जाहे पौ जल बिखम असगाओ गुर सबदी पार पाहे। जिन कौ लगी प्यास अमृत सेई खाहे कलम एहो पुन गुण गोबिंद गाहे। सब सनो कृपाल समाले साहे साहे बिरथा कोय न जाय जे आवै तुद आहे। सलोक महला पंजवा अंतर गुर आराधना जेवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ। सतगुर से तीरत्या दरग पाइया ठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनो ए वत दे। जग में उत्तम काढ़ी है विरले के महला पंजवा रखे रखन हार आप बारेन गुर की पैरी पाए काज सवारेन। होआ आप दयाल मनो न विसारेन साध जना कै संग पब जल तारेन। साकत निंदक दोष्ट खन माहे विदारेन तिस साहेब की टेक नानक मन माहे। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए तिस साहेब की टेक नानक मन माहे। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु गगन मैं था सहस पद बिमल नन ये सहस तब गंध ये बचलत मो भाई गुरु सब महे जोत जोत है। सोए तिस दचानन सब मैं चानन हो गुर साखी जोत पर गट होए। वाहिगुरु जोतिस पा
वैसो आरती होए हर चरण कमल मकरन लोभित मनो अनदिन मोए आही पिया कृपा जल देहे नानक सारंग को होए जों ते तेरे नाम बसा भाई गुरु नाम तिरुआ रहती मजन मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसा रे नाम तेरो आसनो नाम तेरो रे सा हम तेरो केसरो ले छेटे कारी ना तेरा अम्बला नाम तेरो चंदनो घस जपे ना ले तुझे कोचारी नाम तेरा दीबा नाम तेरो बा ती नाम तेरो तेल ले माही पसा रे नाम तेरे की जोत लगा पयो जियारो पवन सगला रे नाम तेरो तागा नाम फूल माला पारे अठारे सगल जूठा रे तेरो किया तुझ किया अरे पा नाम तेरा तू ही चवर टोला रे दस अठ अठ सठ चारे खां यह वरतन है सगल संसा रे कह रविदास नाम तेरुआ रति सत नाम हर हर पोग तोहा रे धूप दीप घृत साजयारतीबा रन जाऊं कमला तीरम गला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को दिवरानिर्मल बाती तू ही निरंजन कम आपाती राम भगत रामानंद जा न पूरन परमानंद बखा न मदन मूरत पतार गोविंदे सैन पण पज परमानंद सुन संधि तेरी देव दिवा कर अध पतया दसमाई सिद्ध समाध अंत नहीं पा या लाग रहे सरना हो आरती हो पुरख निरंज सतगुर पूजो बाई बरमा निगम बिचारे अलख न लखिया
जाई तत तेल हर हर नाम किया बा ती दीपक देह उजिया राजोत लाए जगदीश जगा या बूझ बूझन हारा पंच शब्द अनाहद बाजे संग सारंग पानी कबीर दा तेरी आरति किने तेरी आरति किने सतगुर आरति किने नेरा के नेर बाने गोपाल तेरा आरता ही दयाल तेरा आरताम भाई गुरु जो जन तुम मेरी भगत करंते तिनके काज सवा ता दाल सीधा मांगो कियो हमरा नित जियो पनिया छा देनी काया नाज मंगो सत सीका गौ पैंस मंगोला एकता जन तुरी चंगेरी वाहि गुरु घर की गी हन चंगी जन तन्ना ले वै मंगी हे गोपाल तेरा आरता ही दयाल तेरा आरता सवैया संखन की तूने घंटन की खबर खावे आरती कोट कर सुंदर पेख पुरंदर के बल जावे दानत दक्षण दक्षण पाल में कुमकुम अक्षत लावे होते कुला देवापुरी मिल देवन के कुल मंगल गावे मिल देव कुल मंगल गावे दोहरा ऐसे चंड प्रताप ते देवन बदियो प्रताप तीन लोक जय जय कर रे नाम सद जाप चतर चकर वर्ती चतर चकर पुक सोयं पव सो भंग सर्वदा सर्व जुगते दो कालं परणा दयालं स्वरूपे सदायंग संग अभंगं वे भूते दो कालं परणासी दयालं स सदायंग संगे अभंगं वे भूते तू ठाकुर तू मैं गात में त तुम ही जा नानक दास सदा तुम मेरी गात में त तुम ही जानी नानक दा सदा कुर्बानी ओंकार
श्री वाहिगुरु जी की फतेह। भगौती जी सहाय वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई तैयार। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ती आई है जिस डठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरी है करनो निध आवै ताए सब थाई हुई सहाय। दसवें पातशाह महाराज श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई हुई सहाय। दसों ही पातशाहियां जी दे आत्मक स्वरूप जाहरी जोत परतख गुरु सबदा अवतार। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ दर्शन दीदार उपदेश जी का त्यांतर के खालसा जी साहेब बोलो जी। जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हे सिस दिते बंद बंद कटाए। खोपरियां लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े तनारियां नाल चिराए गए। उबल दिया देगा बिच बैठे बोल कबोल सहारे। गुरद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतियां सिखी सिदक नहारे। सिखी सिदक के सां सुआसा संग निभाए। तिना गुरसिख महात्मा माइया बीबिया बच्चे बच्चिया पुचंगिया दी कमाई दा। ध्यांतर के खालसा जी साहेब बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां गुरतामा दा। ध्यांतर के खालसा जी साहेब बोलो जी। प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चित आवन का सदका सरब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतेह। बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान रहत दान बबेक दान केस दान विसाह दान प्रोसा दान नाम दान दाना सरदान। श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इसनान चौंकियां चंडे बुंगे जुगो जुगे अटल। धर्म का जयकार खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। जी गुरु गरीब निवाज आप जी के पावन तखत श्री हरमंदर जी। पटना साहिब जी का दर्शन दीदार कर दी होए बोलो जी। निमाणिया दे मान नितानिया दे तान नियोटिया दी ओट ने आसरिया दे आसरे नेत्रिया दे तिर सतगुरु। अकाल पुरख वाहिगुरु परिपूर्ण परमात्मा करता हरता सर्व व्यापक। कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। तन तन निरंकार अंतर जामी सतगुर नानक देव जी महाराज। तन तन निरंकार अंतर जामी पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। तन तन निरंकार अंतरजामी पातशाह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। आप जी दे पावन पवित्र चरणा विखे अरदास बेनती। तन तन गुरु कलगीधर पिता
साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप जी दे पावन पवित्र श्री सच खंड दरबार विखे शाम दे दीवान सजे हुए दीवान दे विच अमृतमई गुरबाणी दा कीर्तन सोदर रहराज साहिब जी का पाठ चौपाई आनंद मुंदाविणी आरती आरता साहिब जी के पाठ होए दतार सतगुरु जी आप जी दी अगाध बाणी असी खिन खिन पूलनहार अलपग जी तुच्छ बुद्धि आप जी बख्शिंद पिताओं बख्श लो अगे वास्ते शुद्ध ते स्पष्ट बाणी पढ़न दा सेवा निभाउण दी बल उद्दम प्रेम उत्साह बख्श पढ़ी सुनी बाणी का पाप महात्म दराइयां संगतां दे हिरदियां विच वसाओ कदम लिखे लाओ यात्रा सफल करो परिवारां दे विच सुख शांति चढ़दी कला कारोबारां दे विच बरकत किरत कमाइयां दे विच वादे आपस विच प्रेम प्यार इथवाक सदा बनाई रखना हर कारज रास करने नाम बाणी दा प्यार अमृत वेले दा जागना बख्शो औघना बिगना दा नाश करो सुखां दा प्रकाश करो सब तरह करके चढ़दी कला बख्शो मेहर भरिया हथ सिर ते रखो कड़ा प्रसादी देग सज के हाजिर करी पाक साल सोच पवित्रा हुण लाभो भोग हरे राय पासा जी आप जी को भोग लगे आप जी दा भोग लग्या होया प्रसाद साध संगत को रसनी लायक संगतां वल्लों होर भी जो वे तिल फुल आदि पेटावां श्रद्धा आदक नछावर कीतियां आप जी आप अपने दर ते परवान करो सुख होवे नाम चितावे नानक नाम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा आग्या पई अकाल सब सिखन को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मानियो जो प्रभु को मिल बोच है राज करेगा खालसा सो हमरी खंडा जाके हाथ में कलगी सो है सो हमरी रक्षा करे कलगी तर जग वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सोत जो सरधा कर से बुंदे जो सरधा कर से बुंदे गुर बोले सोनेहा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ मोहे तिसका परवासा बख्श लए सब सच्चे साहेब सुन नानक की अरदासा बख्श लए सब सच्चे साहेब सुन नानक की अरदासा ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਦੋ ਤੁਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਉਲਟੀ ਪਈ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਤਾਂ ਬੂਝ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਉਲਟੀ ਪਈ ਪਾਈ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਤਾਂ ਬੂਝ ਪਾਏ ਸੋ ਗੁਰੂ ਸੋ ਸਿੱਖ ਹੈ ਪਾਈ ਜਿਸ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ ਮਨ ਰੇ ਹਰ ਹਰ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਏ ਮਨ ਹਰ ਜਪ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਪਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਥਾਏ ਰਹਾਉ ਬਿਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਉਪਜੈ ਪਾਈ ਮਨ ਮੁਖੇ ਦੂਜੈ ਪਾਏ ਤੋਹ ਕੁਟੈ ਮਨ ਮੁਖ ਕਰੈ ਪਾਈ ਪੱਲੈ ਕਿਛੂ ਨਾ ਪਾਏ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਮਨ ਰਵਿਆ ਪਾਈ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਰਵੈ ਪਾਈ ਗੁਰ ਕਹਿਤ ਅਪਾਰ ਆਇਆ ਸੋ ਪਰਵਾਨ ਹੈ ਪਾਈ ਜੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਚਿਤ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਰ ਪਾਈਐ ਪਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝ ਬੁਝਾਏ ਆਇਆ ਸੋ ਪਰਵਾਨ ਹੈ ਪਾਈ ਜੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਚਿਤ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਰ ਪਾਈਐ ਪਾਈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਠੰਡ ਪਇਓ ਮੈਂ ਚੋਰ ਕਰ ਬਚਨ ਕਹਾਂ ਸਿਰ ਨਿਆਏ ਪੰਥ ਚਲੈ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ ਜਬ ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਸਹਾਏ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੈ ਗਹਿਉ ਤੁਹਾਰ ਦੁਆਰ ਬਾਹੀ ਗਹੀ ਕੀ ਲਾਜੇ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ਬਜੇ ਘੋਰ ਬਾਜੇ ਤੁਣੰਗ ਮੇਘ ਲਾਜੇ ਖਹੇ ਖਿਤ ਖਤਰੇ ਤਜੇ ਤਾਣ ਪੁੱਤਰੇ ਬਜੇ ਘੋਰ ਬਾਜੇ ਤੁਣੰਗ ਮੇਘ ਲਾਜੇ ਖਹੇ ਖਿਤ ਖਤਰੀ ਤਜੇ ਤਾਣ ਪੁੱਤਰੇ ਗਿਰੈ ਅੰਗ ਭੰਗੰ ਨਚੇ ਜੰਗ ਰੰਗੰ ਖੁਲੇ ਖਗ ਖੂਨੀ ਚੜੇ ਚੋਪ ਦੂਨੀ ਭਯੋ ਘੋਰ ਜੁਦੰ ਇਤੀ ਕਹ ਸੁਦੰ ਜਣਿਓ ਕਾਲ ਰੂਪੰ ਭਜੇ ਸਰਬ ਭੂਪੰ ਸਵੈ ਸੈਣ ਭਾਜਾ ਫਿਰਿਓ ਆਪ ਰਾਜਾ ਠਠਿਓ ਆਣ ਜੁਦੰ ਭਯੋ ਨਾਦ ਉਦੰ ਤਜੇ ਬਾਣ ਐਸੇ ਬਣੰ ਪਤਰ ਜੈਸੇ ਜਲੰ ਮੇਘ ਧਾਰਾ ਨਭੰ ਜਾਣ ਤਾਰਾ ਕਰੰ ਅੰਸ ਮਾਲੀ ਸਰੰ ਸਤਰਸਾਲੀ ਚਹੂੰ ਔਰ ਛੂਟੇ ਮਹਾਜੋਦ ਜੂਟੇ ਚਲੇ ਕੀਟ ਕਾਸੇ ਬੜੇ ਡੀਠ ਕਾਸੇ ਕਨੰ ਸਿੰਧ ਰੇਤੰ ਤਨੰ ਰੋਮ ਤੇਤੰ ਛੁਟੇ ਸੁਣ ਪੁੱਖੀ ਸੁਸੁਦੰ ਸਾਰ ਮੁੱਖੀ ਕਲੰਕੰਕ ਪਤਰੀ ਤਜੇ ਤਾਣ ਛਤਰੀ ਗਿਰੈ ਰੇਤ ਖੇਤੰ ਨਚੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੀਤੰ ਕਰੈ ਚਿਤਰ ਚਾਰੰ ਤਜੈ ਬਾਣ ਧਾਰੰ ਹਲੈ ਜੋਧ ਜੁਦੰ ਕਰੈ ਘਾਇ ਕ੍ਰੋਧੰ ਖਹੈ ਖਗ ਖੱਗੈ ਉਠੈ ਝਾਲ ਅੱਗੈ ਨਚੇ ਪਖ ਰਾਲੇ ਚਲੇ ਬਾਲ ਆਲੇ ਹਸੇ ਪ੍ਰੇਤ ਨਾਚੈ ਰਣੰ ਰੰਗ ਰਾਚੈ ਨਚੇ ਪਾਰਵਤੀ ਸੰਗ ਮੜਿਓ ਜੁਦ ਈ ਸੰਗ ਦਸੰ ਦਿਸ ਕ੍ਰੋਧੰ ਭਏ ਕੋਰ ਜੁਦੰ ਪੁਨਰ ਬੀਰ ਤਿਆਗਿਓ ਪਗੰ ਦਵੈਕ ਭਾਗਿਓ ਫਿਰਿਓ ਫਿਰ ਐਸੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਸਾਂਪ ਜੈਸੇ ਪੁਨਰ ਜੁਦ ਮੰਡਿਓ ਸਰੰ ਓਗ ਛੰਡਿਓ ਤਜੇ ਵੀਰ ਬਾਣੰ ਮ੍ਰਿਤੰ ਆਣ ਤ੍ਰਾਣੰ ਸਵੈ ਸਿੱਧ ਦੇਖੈ ਕਲੰਕ੍ਰਿਤ ਲੇਖੈ ਤਨੰ ਤਨ ਜੰਪੈ ਲਖੈ ਵੀਰ ਕੰਪੈ ਸਵੈ ਸਿੱਧ ਦੇਖੈ ਕਲੰਕ੍ਰਿਤ ਲੇਖੈ ਤਨੰ ਤਨ ਜੰਪੈ ਲਖੈ ਵੀਰ ਕੰਪੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੋਖ ਨਿਕੰਦਨ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਵੋ ਜੀ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਵੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ
गुण गावो श्री हर जन बिघनन के नाशक बिघनन के नाशक हर गोबिंद शुभ सुमत पर काशक श्री हर राय नामो कार जोरी नामो कार जोरी गुर हर कृष्ण मनाए बहोरी तेग बहादुर परम कृपाला जी परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह विसारा तरों तरा पार पुन पुन सीसा जी पुन पुन सीसा बंदा बार बार जगदीसा जिसमें अमृत ज्ञान है मानिक भगत बैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदध बंदों कर अनुराग श्री गुर शब्द कमाए जेना जिते पंच बेकार संतन को बंदना फिर चरणन पर तार एकंकारा सत गुरु तेह प्रसाद सच हो वाहे गुरु जी की फतेह है बिघन विनाशन सोए वाहे गुरु जी की फतेह है बिघन विनाशन सोए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी होहे नमो जी जित कत मेरी हट हो चमू मराय कनेरी इत्यादिक तर कत मन कनो जागृत रहो चिंत चित सुनो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह गरीब नवाज शहनशाह कृपालू दयालु सर्वकला समर्थ निमाणिया दे माण नितानिया दे तान भगत वशल पतित पावन कृपा निदान दस पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप जागत जोत जहरा जहूर हाजरा हजूर सर्व कला समर्थ जुगो जुग अटल धन श्री गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी मालक रह पर पातशाह दी पावन गोद अंदर सरबंस दानी बाला प्रीतम चोजी प्रीतम नीले दे शाह असवार चिट्टियां बाजां वाले दातार गुरकलगीधर बादशाह दरवेश सरबंस दानी साहिबे कमाल धन श्री गुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी के पावन पवित्र प्रगट अस्थान तखत श्री हरिमंदर जी श्री पटना साहिब की पावन इलाही सर जमीन ते शरीर करके सुरत करके समुचे संसार विचों जुड़ रहे गुरु सवारे खालसा जी दातार पातशाह ने अग्ञानी अकिरत कण कलयुगी जीवां ते बड़ा ही तरस किया है जो अपने पावन सरगुण स्वरूप दसवें जामे विच करता अकाल पुरख परमेश्वर ने आनंदपुर साहिब दे विच बड़े आनंद दे विच आकर के जिहड़े चोज जिहड़ी लीला कीती है वह सानू इस कलयुग दे समय विच कहन सुनन दा सुपाग बख्शिया है दातार गुर कलगीधर पातशाह दे पावन कौतक सरवण करदिआं कल दे दीवाना विच आपां साहिब दी बख्शिश जो प्राप्त कीती है
कि भाई धार के राजिया ने आनंदपुर साहब नू घेरा पाया है ते मनशा है कि कोई बाहरों आवे ना अंदरों कोई बाहर ना जावे रसद पानी पहुँचेगा नहीं ते भुखण भाणे सिंह कुछ कु दिनां दे विच हथियार सुट के ते जां आनंदपुर छड देणगे ते जां गुरु दे समेत साडा हुकम मन लैणगे पर इन्हां दे विचार इन्हां दे इह जिहड़े सुपने उह सुपने ही रह गए। रोज़ दी जंग जिहड़ी उह जारी है शाम नूं समाप्ति हुंदी आपो अपने खेमिआं च डेरिआं च चले जांदे ने और सतगुरां दे प्यारे सिख भाई उदय सिंह ते होर सिंघां ने रात जी नूं सलाह की भी इंज लड़ाई लड़ के ते इह युद्ध समाप्त नहीं होण लगा बाकी बड़ा चाह है ये छोटिया छोटिया जी लड़ाइयां हो रही ने वड्डी लड़ाई इन्हां दे नाल लड़ीए क्यों ना अज आपां इन्हां दे खेमिआं च जाके इन्हां दे डेरिआं तंबूआं च जाके इन्हां ते अज हमला करिए। फिर वेख्या भी महाराज जी की आग्या लैनी पर सतगुरु जी तो आराम कर रहे ने शरीर करके सतगुरां दे प्यारे भाई दया सिंह जी खड़े ने उन्हां तो आग्या लई भी सानू हुक्म दो आग्या दो ते असीं दुश्मन दे खेमे च जाना चाहुंदे आ। भाई दया सिंह साहब कहन लगे भी असीं भी तुहाडे नाल ही चलांगे। सो सतगुरां दे मोढ़ी चोणवे सिख कुछ सिपाही सिंघां नूं लै करके ऐन बंके योधे सूरमे जिहड़े ने उह दुश्मन दे खेमे च पहुंचे ने। सुत्ता पिया दुश्मन जाके ललकारिया वंगारिया एकदम झपट के पए ने। हुण सिपाहियां नूं सामने पहाड़ियां दी फौज नूं कोई समझ नहीं आ रही भी आए किधरों ने ते हमला किधरों हो रहा है ते असीं मारे किधरों जा रहे हैं। जिन्नी देर नूं उह सुचेत हुंदे अपनियां बंदूकां अपने शस्त्र संभालदे इन्नी देर नूं उहनां दी किन्नी फौज जिहड़ी मार के ते सिंघ वापिस अपने डेरे विच आ गए ने। हुण सवेर दा सूरज हाले चढ़ना है पर रात नूं जिवें इह रौला पिया भीम चंद नूं होरां नूं पता लगा बड़े हैरान परेशान होए कि इह की खेड वरत गई असीं ते सोचिया भी नहीं सी भी इंज भी साडे नाल हो सकदी है भी सिंघ इन्ने कु निडर ने कि सीधे ही साडे खेमे च आ के साडे इधरले पासे आ के साडी फौज मार जाणगे। सो इस तरह चिंता तुर होया भीम चंद बहुत ज़्यादा सोच रहा है ते गुरू के सिंह हल्ला गुल्ला करके ते इन्हां दे बहुत सिपाही जिहड़े उन्हां नूं मार के ते वापिस अपने डेरिआं विच चले गए ने। सो इंज रात बतीत हुंदी है। इत्थों तक आपां कल सरवण कीता है आओ अगली पावन लड़ी प्रारंभ करिए। अरदास करो कि मालिक साहब जी कृपा करो मन बिरतियां सुरत इंद्रियां की एकाग्रता बख्शो प्रेम भावना प्रीत प्रतीत की दात दियो। साहिब जी बड़ी भावना नाल अपने प्यारियां दे प्यारे इतिहास नूं बड़े प्यार दे नाल कहन सुनन दा बल बख्शिश करो और समुचे ब्रह्मांड विच दृष्ट अदृष्ट रूप विच जो भी महाराज दे जंग दे कौतक सरवण कर रहे हो प्यार सहित उच्चारण करो और आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। होहे नमो सी जित कित मेरी। हुण भीम चंद मन ही मन दे विच सोचदा है कि किते ऐसा ना होवे कि जिवें अज साडे नाल हो गई ते इस तरह ते असीं बहुते दिन इन्हां दे अगे टिकांगे नहीं। जे सिंघ इंज ही साढ़े ते हमला करते रहे रात नूं आ के साडियां फौजां नूं मारदे रहे ते मैं ते बहुत छेती ही हार के वापिस चला जावांगा मेरी तां सारी फौज दिनां दे विच मर जाएगी कल्ली मेरी नहीं बाकी भी जितने पहाड़िए हन सारियां दी फौज दिनां विच सिंघां ने खत्म कर देनी है। सो बहुत चिंता तुर होया सोचदा है कि किते ऐसा ना होवे थां पर थां समुचे जहान दे विच बाई धार की प्रजा दे विच राजियां दे विच सब थावां ते मेरी नमोशी जड़ी है मेरी बेजती जड़ी हो जाना करे। हट हो चमू मराए कनेरी। जे मैं इस तरह बहुत ज्यादा फौज जड़ी है वह मरवा के ते वापिस चला जांदा हां तां इत्यादिक तरकत मन कनो। इस तरह मन दे विच बहुत तर्क जड़े ने भीम चंद दे आ रहे हन। जागृत रहो चिंत चित सनो। इस तरह रात जड़ी है अद्धी रात ते तकरीबन सिंघां दे सहल्ले दे विच इहदी लंघ गई सुनिया सिंघ आ गए ने फौज मारी गई है बड़ा नुकसान हो गया है। जिहड़ी कोई रात दा अद्धा कोई एक पैर बचिया है
वह सारा इन्हें जागद्या बतीत किया, इन्ना चिंता तुर होया इहदे अखां विच नींद नहीं पै रही है। पछतावत होई पुन सार, आखिर पछताउंदिया भी इह साडे नाल की बनिया, असी क्यों चढ़ के आ गए, मैं क्यों इस तरह राजियां ते फौजां नूं इकट्ठियां करके लै आया, ये साडे नाल इन्ना नुकसान हो रहा। पछताउंदिया पछताउंदिया पुन सार हो गई। सवेर तो पहला जिहड़ा चानना आसमान दे विच हुंदा है, वह चानना जिहड़ा आ गया है। उद सतगुर जागे जिस बार, उधर गरीब नवाज साहिब गुर कलगीधर पातशाह जी भी अमृत वेले हजूर शरीर करके जाग गए हैं। सोच स्नान कीन सब अंग, ते महाराज जी ने बड़े सोहने तरीके नाल केसी इशनान सोच इशनान किते हैं। गावन लगे रबाबी वार, इधर दीवान सज गया है ते रबाबी जिहड़े सन ओ आसा की वार दा कीर्तन करन लगे हन। उदे सिंह पहुंचो तिस बार, हाले महाराज जी दीवान विच नहीं आए कि दीवान सज गया है, आसा की वार दा कीर्तन प्रारंभ हो गया है। भाई उदय सिंह जी महाराज जी दे कोल जिथे महाराज जी सुशोभित ने, जिथे महाराज जी तैयार हो रहे ने, उस थां ते भाई उदय सिंह जी पहुंचे हन। दया सिंह कोले कर संग, ते प्यारे भाई दया सिंह जी नूं भाई उदय सिंह जी ने अपने नाल लिया है। बंधन करत बतायो हो जंग, पहला जाके महाराज जी नूं फतेह अर्ज कीती, महाराज दे चरणा ते नमस्कार कीती, फिर महाराज जी नूं बेनती रूप दे विच दस्या कि महाराज रात एक असी जंग कीता है, असी इस तरह जाके रात दुश्मन नूं मारना कीता है। महाराज आयस तुम जोई, ते बाकी महाराज जिहड़ी तुहाडी आग्या है, भाव तुसी उस वेले शरीर करके जाग नहीं सी रहे, तुसी आराम कर रहे सीगे, ते सानू आग्या चाहीदी सी, पर महाराज तुहाडी आग्या असी इस तरह प्राप्त कर लई। दया सिंह मुख ते ले सोई, असी तुहाडे प्यारे भाई दया सिंह जी दे मुख तों आग्या प्राप्त कर लई, ते महाराज आप अपने सिखां च वी वरत दिओ, ते फिर अपने प्यारियां दे विच ते तुसी साक्षात ही वरत दिओ, इस करके असी समें नूं वेखदिआं होइआं तुहाडे प्यारे भाई दया सिंह जी तों आग्या लै लई, ते असी रात नूं जाके जंग ते चढ़ गए हाँ। गयो खालसा मिल समुदाया, ते महाराज तुहाडा खालसा बड़े वड्डे समूह विच इकट्ठा हो के, ते असी रात दुश्मन दे पासे उहदे खेमे उहदे डेरे उहदे तंबूआं विच चले गए सां। मार मोर्चा कतल कराया, ते महाराज तुहाडी असीस तुहाडी बख्शिश कृपा दे नाल असी मोर्चा फतेह करके आ गए, ते बहुत दुश्मन जिहड़े सन असी मार के कतल करके आ गए हाँ। भयो रिपुन के सोक विसाला, ते महाराज दुश्मन वाले पासे ते बस सोग ही सोग फैल गया, क्योंकि भीम चंद हरा नूं जदों खबर मिलेगी असी ते वापिस आ गए हाँ, जां सवेरे हुण जदों लोथां वेखणगे लाशां वेखणगे अपनी फौज दा नुकसान वेखणगे, ता महाराज उन्हां दे घरां च ता दुख ही दुख पसर गया है। गिर गिर के कर घर महकाला, महाराज असी पहाड़ियां दे घर घर दे विच भाव उन्हां दे डेरियां उन्हां दे तंबूआं च उन्हां दीआं फौजां दे जिहड़े मोर्चे ने उन्हां मोर्चियां विच जा जा के उन्हां नूं मारिया है। कर सथार तै ते चल आए, महाराज जे असल शब्दां विच पुछो ना ਅਸੀਂ ਮੁਕਤਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਸਿੰਘ ਸਰੇ ਕੇ ਸਹਿਤ ਸੁਹਾਏ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾ ਉਠਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਹਿਤ ਸੁੱਖ ਸਹਿਤ ਅਸੀਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਬੋ ਕੀਨੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਰਣ ਆਇਸ ਦੀਨੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕਰਕੇ
ते भाई दया सिंह जी ने भी कोई इस तरह तुहानू ना नहीं की, तुहानू जंग करन दी खुल दिती, तुहानू आग्या दे देनी कीती है। एह ज्ञानी मम सिख है पूरा, यह ब्रह्म ज्ञानी ने प्यारे भाई दया सिंह ते मेरा पूरा सिख है हर पक्ष तो, क्योंकि एक तो सब तो पहला सतगुरां दे प्यारियां चो प्यारे ने, फिर ब्रह्म ज्ञानी अवस्था कमाई कथनी करनी दे सूरे हर प्रकार। महाराज कहिंदे ए ब्रह्म ज्ञानी ते मेरा पूरा सिख है भाई दया सिंह। क्यों ना होए या को बचरूरा, ते सिंगो जेड़ा इन्नी कमाई वाला इन्ने भजन इन्नी बंदगी इन्ने सिमरन वाला मेरा सिख होवे मेरा प्यारा होवे ते उहदा बचन भला क्यों ना पूरा होवेगा। प्यारे भाई दया सिंह ने तुहानू बचन किया, जाओ जित होवेगी नाल गए ते भला तुहाडी जित किवें ना हुंदी, जे भाई दया सिंह दा बचन होया वे ते तुहाडी जित नू कौन रोक सकदा है। हथ हो पहाड़ी मूरख कर कर, ते इना मूरख पहाड़ियां नू हथो हथी इना दा नाश करना करो। पर है पीट वो इनके कर कर, ताकि इना दे करे ए रोना पिटना पै जावे। ए नहीं के महाराज किसे दे कर दुख किसी के घर इस तरह सत्थर विछाउणा चाहुंदे ने, भाव इन्हां नूं इन्हां दी कीती दा फल मिले। ये जिस तरह चढ़ के आए ने तुसी इन्हां नूं बणदी सजा दे के इन्हां नूं दुख प्राप्त करो। मोरे खालसा बली विशाला, मेरा जिहड़ा खालसा है ना महाराज कहिंदे बहुत बली है बड़ा विशाल है मेरा खालसा। गुर द्रोहीन हतै सब काला, ते मेरा खालसा सदा ही जेड़ा कोई गुरद्रोही होवेगा ना उन्हू हतै उदा नाश करेगा। उस वेले पहाड़िए गुरु द्रोही सन खालसे ने नाश किया, जे उस तो बाद भी कदी कोई गुरु द्रोही आए सिंघा ने नाश किया, जे अज भी कोई गुरु द्रोही उठदा ता सिंघ आने बहाने किसे ना किसे तरीके उन्हू फड़दे ने लभदे ने उदा सोधा लाउंदे उदा नाश करदे ने। महाराज कहिंदे मेरा खालसा जेड़ा ना वह जदों भी कोई गुरु द्रोही उठेगा मेरा खालसा सदा ही उदा नाश करेगा उन्हूं मारना करेगा। इम कह थिरे सिंघासन स्वामी, इना कह के महाराज जी तैयार होके सोहना सिंघासन जिहड़ा संगत विच सुशोभित है उथे आके महाराज जी सुभायमान हो गए हन। भूत भविख्यत अंतर जामी, जो अंतर जामी सतगुरु जो बीत चुके वर्तमान ते भविख तिन्ना कालां दे ज्ञाता हन। वहर मोरचण तथा लड़ाई, इधर उस तरह सिंह मोर्चियां दे विच डटे हुए ने छोटी छोटी लड़ाई जिहड़ी चली जा रही है। छुट है तुफंग समुख समुदाई, ते सामने हो करके सिंह गोलियां तीर आदिक जिहड़े ओह चलाउंदे रहिंदे हन। निज निज मोर्चे पर थिर हवै कै, आपो अपने मोर्चियां दे विच टिके होए ने। कैसा समा होएगा कैसा माहौल होएगा उस वेले भी देखो, जंग चल भी रहा ते जंग बंद भी है क्योंकि रात जी का समा है, पर सिंह मोर्चियां च डटे ने। फिर इधर अमृत वेला हो गया, आसा की वार का कीर्तन प्रारंभ हो गया, ते देखो कदी मन दे उत्ते थोड़ा जिहा चिंतन करके जे सोचिए सुरत उत्ते लिजा के, जदों असीं पढ़दे हाँ कि महाराज जी जदों सरसा पार करदे ने उदों ते महाराज ने आसा दी वार दा कीर्तन कीता ही कीता, पर जिन्ना चिर आनंदपुर साहिब नूं घेरा पिया रहा किते भी दीवान दे विच ऐसा नहीं होया भी अज घेरा बहुत ज़्यादा है दुश्मन दा पता नहीं कदों आ जाए ते अज कीर्तन रहन दो, अज सिंघो हथियार फड़ के सुचेत हो के रहो कीर्तन कल नूं कर लवांगे, ऐसा ना होवे तुसी सारे समाधियां ला के बैठे होवो ते दुश्मन चढ़ आवे। नहीं किते दुश्मन साडे शहर च ही आ जाए ना वैसे ही कोई अपना, ते आपां नूं नींद नहीं पैंदी भी वह साडे शहर च तुरिया फिरदा पता नहीं कदों आ जाएगा। पर एक पासे घेरा पिया होवे गोलियां चली जान तीर आई जान पर फिर सिंह सवेरे ते शाम दा दीवान लाउंदे हुण इह बहुत वड्डी गल है। पर जे असीं अज वेहणे आ हर प्रकार का सुख साढ़े कोल हर प्रकार के साधन साढ़े कोल, पर फिर भी माड़ी जी किते मुसीबत किते दुख कोई तकलीफ होवे ते सानू बहना सानू बाणी पढ़नी सानू उठना बहुत औखा हो जाता है। सो इस तरह दीवान लगा हुआ है सिंह मोर्चियां च डटे ने, ते मोर्चियां च डटे हुए सिंह भी अमृत वेले कोई आसा की वार का पाठ कर रहा है कोई नितनेम कर रहे ने। फिर इधरों किले चो आसा की वार के कीर्तन की आवाज़ आउंदी मोर्चियां च बैठे सिंघां दे कन्नी पैंदी उह मोर्चियां च बैठे नाल नाल कीर्तन गा रहे ने। एक पासे हथियार ऐ संभाले हुए ने
एक पासे कन्न जिहड़ा उह किले वल है उधरों कीर्तन की आवाज आउंदी ते नाल बैठे मोर्चियां च उच्ची उच्ची आसा की वार नाल नाल गा रहे ते नाले मोर्चे संभाले हुए हन। हेरत रिप दे तुपक छुटै कै, जे किते कोई दुश्मन इधर उधर आउंदा दिसदा है ता उसे वेले गोली दा निशाना ला देंदे हन। आवत जाते कर है प्रहारन, ते आउंदा जांदा कोई दुश्मन जे निशाने हेठ आवे जे लंघे पता है अगां नूं वधेगा उसे वेले ओदे ते वार कर देंदे हन। को पलाए हवै को संघारण, कोई तां बच जांदा है दौड़ के ते कोई निशाने दे सामने आ जांदा ते ओदी मौत हो जांदी है। मृतक उठाए उठाए ली जाते, फिर जेडे पहाड़ी फौज है ना जेडी ए हुण की करदे ने, ए रात दे समय ना कोई मशालां दा आसरा लैके जां होर कोई तरीका लभ के आपदे जेडे मरे हुए इन्हां दे सिपाही ने मृतक उठाए उठाए भाव अपने जिहड़े मुरदा सिपाही ने उन्हां नूं किसे ना किसे तरीके चुक के लै जाणा करदे हन। कासट संचै करत महाते, फिर आपदे वाले पासे सिंघां दी मार तों काफ़ी दूर जाके आपदे वाले पासे कुछ लकड़ां इकट्ठियां करके ते अपने फौजियां दा हिंदू रीति रिवाजां अनुसार, क्योंकि हिंदू राजियां दी फौज है सो उस तरह करके ये संस्कार करते हैं सिपाहियां दा। जोहों देस आनंदपुर के दा है, जे वेख्या जावे ते आनंदपुर साहब दे चारे पासे दाह संस्कार ही हो रहे हन। खान मसानन जहां कहां है, जिथे किथे भी निगाह जावे ना, क्योंकि सिंह ते हुण उच्चे ने किले दे विच ने, किले दे चोटी ते चढ़े हुए ने ते जिथों तक भी दुश्मन की फौज खड़ी जां जिथों तक भी निगाह जांदी है रात दे समय ये लाटां जड़ियां ने सिवियां दियां, क्योंकि रात नूं संस्कार करदे ने सिपाही लब लब के आवदे दिने जंग लड़दे ने, सो जदों रात नूं संस्कार करदे दूर दूर तक ये चिखा बलदियां ही दिस रहियां हन। जित के धूम उठाए दृष्टावै, जिधर भी निगाह पैंदी है इन्ने कु सिपाही दुश्मनां दे मरे ने पहाड़ियां दे के सारे पासे चिखा दा धुआं ही उठदा दिसदा है। परे की तक तेन कूकर खावै, जेड़े कोई नहीं चुके ले जांदे, क्योंकि उन सारे भी चुकने मुश्किल है जिन्ने कोई इन्हां दे हाथ लगदे लै जांदे, क्योंकि सिंह इन्हां नूं लोथां भी नहीं सी चुकण देंदे, पिछे भी आपां जमतुल्ला खां दी इन्हां नूं लाश नहीं चुकण दित्ती सिंघां ने, सो इस तरह जिहड़े कोई बच जांदे ने उन्हां नूं कूकर गिद्दां आदिक जिहड़ियां उह खा जांदियां हन। ब्रिंद बिहंगम गीत बड़ेरी, ते बहुत पंछी आउंदे ने जिहड़े मासाहारी, फिर वड्डियां इल्लां आउंदियां ने उह इन्हां दे मास नोच नोच खांदियां हन। काक कांक खै है बहुतेरी, फिर कां आदिक, फिर छोटियां इल्लां, ये सारे जानवर जिहड़े आउंदे हन। सब राजन पिख चिंत उपाई, हुण जदों राजियां ने आपदी फौज दा ये हाल वेखिया ना बहुत ज़्यादा इन्हां दे मन विच चिंता पैदा हो गई भी असीं जिहड़ी आस लै के आए सी, जो सोच के आए सी भी असीं ते जाणा है ते एक अद्धे दिन की जंग लगनी ते असीं आनंदपुर साहब विच प्रवेश कर जाना है, पर साडी सोच बिल्कुल गलत निकली, असीं ते अपने मकसद विच कामयाब ही नहीं होए, सो सोच के बड़े चिंता तुर हो रहे हन। चितवत हत बेहेत उपाई, हुण उपा करन वास्ते सारे ही तकरीबन चिंता तुर ने भी की कीता जावे, केड़ा दा वरत्या जावे। भई प्रभात दिवस चढ़ गयो, हुण प्रभात होई सी इधर महाराज जी आसा की वार दे कीर्तन दीवान विच ने, उधर राजियां वाले पासे दा थोड़ा जिहा कवि साहब कहिंदे जिक्र करदे आ, जदों प्रभात हुई चानना होया तां जाम एक भी तत जब भयो, जदों तकरीबन दिन दी एक घड़ी एक पहर जिहड़ा सी ओह बतीत हो गया। भीम चंद पा समय रसोई, हुण भीम चंद जिहड़ा सी इह समा पा के अपनी रसोई जिथे भोजन करदा है इह भोजन प्रसादा छकदा है उत्थे आ जाना करदा है। सैलनाथ पहुंचे सब कोई, ते इहदे नाल दे जिहड़े होर कोई राजे आदिक हन ओह भी सारे आ गए हन। सभा करन मसलत के कारण, क्योंकि एक तां इन्हां ने इस तों बाद मीटिंग करनी आ ते सवेर दा समा है जिहनूं आपां आम कह दिंदे भी नाश्ते जिहदा इन्हां दा समा है राजियां दा, कुछ इकट्ठे सारे राजे एक थां ते इन्हां दा प्रबंध सी भोजन करन दा, कुछ उत्थे विचारां, कुछ उस तो बाद इन्हां ने मीटिंग दा समां रखिया सी भी सवेरे सवेरे एक मीटिंग करांगे उस तो बाद फिर जंग शुरू हो जाना, फिर ते शाम तक समां नहीं लगना। सो भीम चंद नाश्ता करन आया है, भोजन करन आया,
नाल दे इदे राजे भी सहजे सहजे आउन लगे पहुंचे जुत मंत्री न विचारन ते सारे राजे जेडे कोई मत विचारना सी विचार मीटिंग करनी सी उस तहत आउन लगे हन दोहरा सैलनाथ आए सकल प्रथम केसरी चंद कवि साहब जी अगले अध्याय च कृपा करदे ने कहिंदे भीम चंद आ गया फिर सैलनाथ पहाड़ी राजे आउन लगे सारिया तो पहला जिहड़ा केसरी चंद आ जिहदा एक दो अध्याय अगे जाके सिंघां ने कम कर देना है ਇਹ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਨਿਰਿਪ ਹੰਡੂਰ ਕਟੋਚੀਆ ਗਵਾਲੇਰੀ ਭਟ ਬ੍ਰਿੰਦ ਫਿਰ ਹੰਡੂਰੀਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਟੋਚੀਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਗਵਾਲੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਗਵਾਲੀਅਰੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਚੌਪਈ ਇਤਿਆਦਕ ਸਭ ਮਿਲ ਕਰ ਆਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਰਿਪ ਹੰਡੂਰੀਆ ਗਵਾਲੇਰੀਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸਨਮਾਨ ਬਿਠਾਏ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ ਆਖਿਆ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਸਨ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੋਲੇ ਸੰਗ ਗਇਓ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ ਥਿਰੇ ਸਭ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸੀ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ ਥਿਰੇ ਸਭ ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਟਾਈਟ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਚਾਦਰਾਂ ਲਈਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਚੌਂਕੜਾ ਸੌਖਾ ਵੱਜ ਸਕੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਟਿਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਚਾਦਰ ਜਾਮਾ ਪੱਗ ਉਤਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੋਟੀ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਬੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਨਾ ਕਰ ਮਹਿਤਾਰੀ ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਛੋਟਾ ਟਾਵਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਲੀ 'ਚ ਵਿਛ ਜਾਵੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡੁੱਲ ਜਾਵੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਨਾ ਆਦਿਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚਰਨ ਪਖਾਰਤ ਚੌਂਕੇ ਬਰੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਟਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੌਂਕੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਟੇਬਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉੱਚੀ ਚੌਂਕੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਥਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਖਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਜੋੜਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਦਾਨੇ ਸਿਆਣੇ ਉਹ ਕਦੀ ਚੌਂਕੇ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਤਾ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਚੌਂਕਾ ਭਿੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਚੌਂਕਾ ਜੂਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਓ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਚੌਂਕਾ ਜਾਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਭਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਚੱਪਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆ ਕੇ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ 'ਚੋਂ ਚੱਪਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗੰਦ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾਈਏ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਪਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਗੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ 100 ਚੋਂ 1% ਹੋਣਗੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਧਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਝਾਰਖੰਡ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਘੁੰਮੇ ਫਿਰੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ
ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੱਥੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੰਦੀ ਚੱਪਲ ਐਨ ਬੈੱਡ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਐਨ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਵਾਹ ਅਸੀਂ ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੱਪਲ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਰਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੈੱਡ ਆਦਿ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭੋਏ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਐਨ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਥਾਲੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਜੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂੰਝ ਲਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਬਹਿ ਗਏ। ਸੁੱਚਮਤਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਖੈਰ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ, ਪੈਰ ਧੋਤੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਆਸਨ ਪਰ ਨਿਰਪਥਿਰੇ, ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਸਨ, ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਚੌਂਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਚੌਰਸ ਆਸਨ ਜਿਹਾ ਵਿਛਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਆਗੇ ਸਭ ਕੇ ਧਰਪਨ ਵਾਰੇ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੱਤਲਾਂ 'ਚ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕਰੀਬਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ, ਪੱਤਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਰੱਖ ਦਿਉ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਵਹਿੰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੱਤਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਾਈਡ, ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ ਜਾਓ, ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੱਤਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੱਤਲਾਂ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪੱਤਲ ਦਾ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪੱਤਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਤ ਪਰੋਸਿਓ ਪਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰੇ, ਫਿਰ ਭਾਤ, ਭਾਂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਭਾਂਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੌਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਦਹੀਂ ਭਾਤ ਖਾਏ ਜੀਓ, ਉਹ ਭਾਤ ਉਬਲੇ ਚੌਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਲੰਗਰ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੌਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਲਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਵਰਤਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਬੋਰੇ ਸਲਵਣ ਨਾਨਾ ਭਾਂਤ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸੋਹਣਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਸੂਪਕਾਰ ਤਬ ਧਰ ਤਰ ਜਾਤ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਵੇ ਨੇ ਸੂਪਕਾਰ ਰਸੋਈਏ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤਲਾਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਜਬ ਕੋਰ ਉਠਾਏ, ਜਦੋਂ ਬੁਰਕੀ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਗੁਰਾਹੀ ਭਰਨ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਲੂਰੀ ਤਬ ਕੁਛ ਮੁਸਕਾਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਲੂਰੀਆ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਟਿੱਚਰ ਜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਸ਼ਕਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਨਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਅਕਾਰਨ ਕਹਿਲੂਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਖ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦਿਸਾ ਕੋ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਲੂਰੀਆ ਇਹਨੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਸ ਕਰਤ ਪਾਖਤ ਇਮਤਾ ਕੋ, ਤੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਯਦੀ ਦਈਓ ਭਾਤ ਕਹੋ ਖਾਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਚੌਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਘਰ ਛੋੜ ਪਿਆਣੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਟੱਬਰ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੌਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਹੀ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਹੂ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਚੌਲ ਖਾਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਕਿਦੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹੈ ਤੇ ਛੁਟਾਵਣ, ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਹਟਾਵਣ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੜਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸੋਹਣਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਭ ਦੇਹ ਬਤਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਅੱਜ
भी आपां इत्थे किस कारण वास्ते आए हां। विते वास्ते दिन अधिकाई, किन्ने दिन ते किन्ने महीने जड़े ने आपां नूं इत्थे इंज ही लंघ गए हन। गाड़ी घड़ी लोहगढ़ नामू, ओ जड़ी लोहगढ़ दी घड़ी, ओ जड़ा लोहगढ़ दा किला जड़ा बहुता मजबूत भी नहीं है। सो भी नहीं छुटी क्या काम, एक छोटी जी गड़ी कहिंदा ओ लोहगढ़ दा किला जड़ा महाराज दा, कहिंदा सो भी छुट्टी नहीं, लहनत है अपने सारिआं ते, आपां इन्नी फौज लैके आए हाँ, इन्ना चढ़ाई करके आए, साडे तो एक छोटा जिहा किला नहीं महाराज तो छड़ाया गया, हाले आनंदपुर छड़ाउणा ते बहुत अगे दीआं गल्लां हन। सारे उहनां कुझ गुर कन चढ़ आए, आपां गुरु दे कन वल चढ़ के आ गए हाँ। महीने लंघ गए ने, दिनां दी गल छड्डो, पर अपने तो कुछ भी नहीं हाले तक सरिया। आनंदपुर लुटना, आनंदपुर ते कब्जा करना ते दूर दी गल, आपां हले आनंदपुर दी जूह विच वी प्रवेश नहीं कीते। वीर हजार हो मार खपाए, ते तुहानूं पता है आपां हजारां दी गिणती विच अपने सूरमे जिहड़े ने मरवा चुके हां इस वेले। क्या मुख ले कर सदन सिधारो, ते जे आपां अपनियां धारां नूं राजां नूं वापस चले जावांगे ते थोड़ा जिहा दिमाग ते जोर दे के सोचो भी की मुंह लैके आपां वापस जावांगे। कह गिर पतन कहां जग सारो, ते सानू सारा जग साडी प्रजा की कवेगी भी तुसीं पहाड़ी राजे हो, तुसीं साडी राखी करोगे, जिहड़े इन्ने महीने उत्थे घेरा पा के बैठे रहे ते महाराज तो एक गढ़ी नहीं तुसीं एक किला नहीं महाराज तो छड़ा सके, लोक सानू इस तरह कहा करनगे। कहां वीरता रही तुम्हारी, ते दूजियां नू कहलूरिया सारियां नू खास करके केसरी चंद वल वेख के कहिंदा तुहाडी सूरमताई तुहाडी वीरता कित्थे रह गई, हुण बड़ियां डिंगा मार के चले सीगे ते कित्थे तुहाडी सूरमताई, अपने तो कुछ भी नहीं सौरिया। मिल सब लड़े सरी नहकारी, आपां सारे ही मिल के लड़े आ, सारिआं ने अपनी फौज हुण तक मरवाई आ, सारिआं ने अपना असला बरूद गवाया है, पर कम तो एक तो भी नहीं सौरिया। जां तां विना भी मैं नहीं कब्जा कीता आनंदपुर ते दूजे ने कर लिया होवे, जे दूजे ने नहीं कीता चलो तीजा ही आनंदपुर च वड़ गया होवे, साढ़े सारे राजिआं चों एक भी राजा नहीं इत्थे ऐसा जिहड़ा हाले तक आनंदपुर दे विच प्रवेश कीता होवे। एक गुरु पुण देस बहीना, कहिंदा भी कल्ला गुरु आ उधर गुरु गोबिंद सिंह, पुन देश बहीना जिदे कोल कोई अपना देश नहीं, जिदे कोल कोई अपना राज नहीं, जिदे कोल कोई प्रजा नहीं, कोई राजसी सत्ता नहीं है। जमुना कि ये एक पंथ नवीना, ते जिदे कोल फौज भी है नहीं, एक तो होवे ना भी चल उहदे कोल राज नहीं उहदे कोल फौज बड़ी वड्डी आ, ते फिर ते आपां हारीए ते चंगे भी लगदे भी भाई सामने फौज सी, जिदे कोल फौज भी है नहीं केवल उहदे सिख उहदी संगत पिंडां चों आए सीधे साधे लोग लड़दे पए ने, ते उस तों बाद उहदे कोल फौज भी नहीं उहदे कोल राज भी नहीं, ते की पंथ नवीना जिन्हें नवा नवा हुणे जिहा पंथ साजिआ, इह भी नहीं कि उहदा पंथ कोई बहुत हजारां साल पुराणा है, बड़े पुराने योधे सूरमे ने। हुणे कुछ दिनां दीआं गल्लां है कि गुरु गोबिंद सिंह ने विसाखी वाले दिन खालसा साजिआ सिंह साजे, हाले सालां भी नहीं लंघे ते साडे ते भारू पै गए हन। भयो उपाए ना किस ते कोई, ते साडे किसे तों भी इन्हां मुठ्ठी भर गुरु के सिंघां दा, ते ओह गुरु गोबिंद सिंह जी दे कोल राज भाग प्रजा फौज कुछ भी नहीं, साडे तों दा कोई हल नहीं हो सकिया। वच हारे परबत पत जोई, ते आपां सारे परबत पत सारे पहाड़े राजे खप खप मर गए आ, कोई सज्जे जाके हमला कर रहा है, कोई खब्बे हमला कर रहा है, कोई किसे पासे फौज चढ़ा के लिया रहा है, पर कोई भी कामयाब नहीं हो रहा। साहो आज सगरे इम कह, जे बादशाह औरंगजेब सानू कल नूं पुछ ले भी की कीता जे इन्ना चिर उत्थे घेरा पा के, ते की जवाब देवांगे, असी फौजां मरवा के जमतुल्ला भाऊ वर्गे फौजदार मरवा के वड्डे वड्डे सिपाही मरवा के अहीं वापिस आ गए हाँ, जे तुहानूं औरंगजेब पुछेगा ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਾ ਸੁਜਸ ਤੁਮ ਤੁਮਰੋ ਤਬ ਰਹਿ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਸ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੇ ਆਛੀ ਲੜਤ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਹਿਲੂਰੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਭਰਮ ਸਮੇਤ ਹੁਤੇ ਹਮ ਸਭ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ
कोई कहिंदा असी चलदे आ, कोई कहिंदा असी रहण दो, कोई कहिंदा असी लड़ाई ना छेड़ो, कोई कहिंदा असी सुलह कर लो। आपां नूं चाहीदा सी आपां उदों ही टिक के बह जांदे, आपां नहीं सी लड़ना। तो आप हुण जे लड़ पए आ, अगां वध गए आ, तो हुण आपां नूं आनंदपुर ते कब्जा करना चाहीदा है, गुरु गोबिंद सिंह नूं इत्थों कढ़ना चाहीदा है, नहीं तो साडी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। रात मोर्चा मार खपायो, तुहानूं खबर तां होएगी कि राती गुरु के सिंह आए ने ते साडे सुते हुए सिपाही उन्हां दे उत्ते मोर्चियां च आ के ते तंबूआं च उन्हां दे आ के उन्हां ते हल्ला कर गए हन। सुपट ब्रेंद को नह अटकायो, ते साडे इन्ने सूरमियां तों गुरु के सिंह रोके ही नहीं गए, वह हवा की तरह आए, साडियां फौजां नूं मार के हवा की तरह आ गए। जदों तक असी मशालां जगाईआं उदों तक सिंघां दा खुरा खोज नहीं सानूं लभिया भी सज्जियों आए सी, खब्बियों आए सी, किधर नूं गए। हवा की तरह आए ते सब कुछ मलिया मेट करके हवा की तरह उडंत हो गए हन। सब प्रातन की मसलत करें, सो इस करके सारे राजे अपनी अपनी इस विषय ते सलाह करनी करो, लत कर कनो मेल कर लरे, के जां तां फिर आपस दे विच चंगा मेल करके, इन भी कोई किते फौज लैके बैठा है, कोई किते फौज लैके बैठा है, एक वड्डी सलाह करो, एक चंगा कोई मीटिंग करके मता पा के चंगा हल्ला करो ताकि असीं गुरु गोबिंद सिंह नूं फड़ सकीए। अब तुम करो विचारण सारे, लूरिया कहिंदा भी हुण तुसीं सारे बैठे जे, नाले रोटी खाओ ते नाले इस गल ते मन ही मन विचार करो। किम रह आवै लाज हमारे, सारे ही सूरमे कहाउंदे आ ते साडी इज्जत जिहड़ी किवें रह आवेगी। चमक्यो रिस्यो केसरी चंद, जदों इन्हें एडी कु गल कही ना ते इहदी गल च सच्चाई भी बड़ी सी। हुण चमक्यो रिस्यो केसरी चंद, केसरी चंद नूं बड़ा गुस्सा चढ़िया क्योंकि इन्हें खास करके उहदे वल वेख के हसया सीगा, ते जदों तुसीं किसे वल वेख के हसो ते उहदा गुस्सा भी वधदा है, ते उहनूं पता है भी इह गल मेरे ते ही ला रिहा। केसरी चंद दा मुख जिहड़ा सी उह गुस्से नाल लाल चमकिया, बड़े गुस्से विच आके कहण लगा, किम रह आवै लाज हमारे, जदों कहलूरिए ने कहा भी साडी इज्जत किवें रह आवेगी, क्या मसलत हम करण बिलंद, ते अगों केसरी चंद कहण लगा, कहिंदा भी इहदे बारे विच तां फिर सलाह करनी करो। विकहो काल होए संगर मेरा, कहिंदा हुण तुसीं मेरा युद्ध वेखियो क्योंकि सब आपो अपने तरीके नाल लड़ रहे ने, हुण जिस तरीके नाल मैं लड़ांगा तुसीं मेरा तरीका वेखणा करियो। सिंगर कर हो लथेर पुथेरा, कि मैं ना देखदिआं देखदिआं एक दिन दे विच सारे गुरु के सिंह जिहड़े ने इह लथेर पथेर पावे इन्हां दीआं लोथां ते लोथां चाड़ दवांगा, इन्हां नूं बिलकुल मलिया मेट कर देवांगा। कहै लोहगढ़ नाम कठोरा, ते जिहड़े किले दी तुसीं गल करदे हो ना भी उह किला उह किड्डा कु किते कठोर किला है, उह किड्डा कु किते मजबूत लोहगढ़ दा किला है। कागद सिकता समदी उह फोरा, जिन्नूं तुसीं कह रहे हो भी बड़ा मजबूत किला जिहड़ा साडे तों जित्तिआ ही नहीं गिआ, कहिंदा तुसीं वेखिओ फिर अज मेरा जंग वेखिओ, हुण मैं कागज़ ते रेता दी तरह जिवें कागजां दा कोई महल बना ले जां फिर रेता दा बना ले उह जिवें छिन दे विच ढह जांदा है ना, मैं वेखदिआं वेखदिआं हुण लोहगढ़ दा किला ढा सुट्टांगा। मस्त मतंग महाबल धामू, कहिंदा मेरे दिमाग विच जिहड़ी इक स्कीम आई आ ना, जिहड़ा मैं हुण इक दा सोचिआ भी मेरे कोल एक बड़ा तगड़ा हाथी है, मस्त मलंग जिहड़ा बहुत मस्त है। आवै पुन हमरे किस काम, एडा तगड़ा हाथी वह मेरे किहड़े काम आउणा, इह थोड़ी मैं कल्ला उहदे ते होदा रख के ते जंग च कल्ली किरपाण जां तीर ही चलाउणे उहदे ते बहि के, ਉਹ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਚਾਹੂੰ ਦਿਸਨ ਕੋ ਤਜ ਕੈ ਘੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹਟਾ ਲੈਣੀ ਕਰੋ। ਸਾਗਰੀ ਚਮੂਹ ਕਰ ਹੋ ਸੰਗ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਰੋ। ਹੋਏ ਸਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਰਹਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ
क्योंकि जे तो हम फौज घेरा पा के खड़ी रही तो फिर तो घेरा कड़ा छोटा जहा कई किलोमीटर च है तो कई मीलों के फौज वंडी पई आ मेरे ना किन्ने कु रह गए तो जे सारी फौज सारे पासियां तो कट्ठी करके मेरे ना तोरोगे मैं अगे अगे हाथी लावांगा ते फिर मैं किले दे विच प्रवेश करांगा। धुंद ढोलन ले सब बाजा पता की करांगे नगारे ढोल नफीरियां धुंदबियां ए वजाउंदे चलांगे। कितक सेंग है अटक है आगे इन्ने रौले गोले च की पता लगना भी की हो गया क्योंकि दरवाजा तोड़ना ते इधर आपां इन्ना गोलियां दा रौला ढोलां नगारियां दा रौला पवेगा क्योंकि हाथी दी ते आवाज ही नहीं आउण देनी आपां सिंघां नूं भी असीं हाथी लई आउंदे आ ना हाथी की चंगाड़ सुन देनी ना टुटते दरवाजे की आवाज सुन देनी इन्हों कहिंदा फिर जोर का हला सारे सिंह तुसी रल के जे सिंघां दे उत्ते मेरे नाल करियो ते देखदिया देखदिया ये सिंह आप मेरे अगे की चीज ने ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਰ ਟਿਕਣਗੇ। ਹੋਏ ਕਤਲ ਕਰ ਪਿਖ ਕੈ ਭਾਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਖਾਏ ਨਾ ਕਿਲੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਟੁੱਟ ਪਏ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਅੱਧਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਂਝ ਭੱਜਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕੋ ਧਰ ਥਿਰ ਹੋਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲਸ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਕਰੋ। ਜੰਗ ਮੋਰ ਦੇਖੋ ਸਭ ਕੋਏ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜੰਗ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੜ ਲਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਮ ਬਾਤ ਕਰ ਭੋਜਨ ਖਾਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਉੱਠੇ ਬਹੋਰ ਰਿਸਤੇ ਦ੍ਰਿਗ ਰਾਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਿਆ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਖੜੋਤੇ ਹਨ। ਸਭਾ ਲਗਾਏ ਤਿਰੇ ਸਭ ਰਾਜੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਨ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਘੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਈਏ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਮਰਵਾ ਦੇਵੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਭਿਨ ਸੁਣਾਵਤ ਕਹਿ ਗਵਾਲੇਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਗਵਾਲੇਰੀ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਬ ਲੋ ਲਰੇ ਜੀਤਨ ਹੈ ਹੇਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਲੜੇ ਹਾਂ ਫੌਜ ਮਰਵਾਈ ਪਰ ਜਿੱਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਰ ਕੋ ਘੇਰੋ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਇਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਗੱਫਾ ਪਾਣੀ ਛੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਵਤ ਜਾਤੇ ਦਾਵ ਨਾ ਜੋਇਓ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਦਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਪਿਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਲਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਇੰਝ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾੜ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੰਝ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੜਨ ਸਮਾਜ ਅੰਨ ਬਹੁ ਤੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ ਆਦਿਕ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਭੇ ਕਿਤਕ ਵੀਰਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਲੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਭੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਜੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਵਾਪਿਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਣ ਨਿਰਪ ਹੰਡੂਰੀ ਤਬ ਕਹੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਹੰਡੂਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਗੁਲੇਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਘੇਰਾ ਨਹੀਂ ਨੀਕ ਬਿਦ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਘੇਰਾ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੇਰਾ ਹੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਭੱਟ ਸਨ ਮੁੱਖ ਚਲੈ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਆਪਾਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਸਤ ਮਤੰਗ ਦਵਾਰ ਕੋ ਭਿਲੈ ਤੇ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾਰ ਕੋ ਭਿੜੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰੇਗਾ ਤੋ ਮਰ ਤੁਪਕ ਤੀਰ ਤਰਵਾਰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਦੇਗਾ
ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੀਰ ਪੱਥੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਭ ਇੱਕਦਮ ਚਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਰੇ ਅਗਰ ਤੇ ਤਤ ਛਿਣ ਮਾਰੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਅੜੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਤਕਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸੈ ਨਹੀਂ ਚਮੂ ਤਿਸ ਬਾਰੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਟੇਕੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਗੇ। ਗਮ ਨਾ ਬਾਂਦੇ ਚੁੰਗ ਅਗਾਰੀ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਿਕ ਜਾਵੇ। ਹੱਥ ਹੋ ਲੋਹਗੜ ਕਾਰਜ ਭਲੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਥੀ ਲਈਏ, ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਲਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਲੋਹਗੜ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀਏ। ਹੋਰ ਸਹਿਰ ਦਿਸ ਸੁੱਕ ਸੋ ਚਲੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਹਗੜ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਧੁਰਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਜੈ ਗੁਰੂ ਕਿਦੋ ਮਿਲ ਪਰੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਭੱਜ ਆਊਗਾ, ਇਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਜੈ ਗੁਰੂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਤੋੜ ਲਿਆ ਫੌਜ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਭੱਜੂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਊ, ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰਜ ਸਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰ ਸਕਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਡਸਪਤੀ ਸੁਨਤ ਸਭ ਮਤ ਕੋ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਥੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਘੇਰਾ ਤੋੜ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਘੇਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਤ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਦਾਨਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਬੋਲਿਓ ਬਾਕ ਦੇਖ ਗਰਬਤ ਕੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਕੇਤ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰਕਰਨ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਕਥਾ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਲੋਹਗੜ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਾਂਹ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼, ਨਿਵਾਜਨਾ ਕਰਨਾ। ਭਾਜੈ ਗੁਰੂ ਕਿਦੋ ਮਿਲ ਪਰੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰਜ ਸਰੈ, ਮੰਡਸਪਤੀ ਸੁਨਤ ਸਭ ਮਤ ਕੋ, ਬੋਲਿਓ ਬਾਕ ਦੇਖ ਗਰਬਤ ਕੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।